माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रबंधकों की ओर से की गई शिक्षक भर्ती की जांच ईओडब्ल्यू की ओर से हो रही थी। जांच के दायरे में जिले के 42 इंटर कॉलेज हैं और जांच एजेंसी ने रिकॉर्ड तलब किए थे। मनकापुर केएपी इंटर कॉलेज के शिक्षक गुरु प्रसाद की याचिका पर हाईकोर्ट ने जाँच पर रोक लगा दी है। अभी 41 इंटर कॉलेजों की जाँच जारी रहेगी। माना जा रहा है कि एक इंटर कॉलेज की ओर से रिट किया गया था। जिले में बेसिक शिक्षा की सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक भर्ती की जांच एसआईटी कर रही है। माध्यमिक शिक्षा की सहायता प्राप्त स्कूलों की जांच ईओडब्ल्यू की ओर से हो रही थी। 28 जून 2021 को ईओडब्ल्यू के निरीक्षक की ओर से कॉलेज भर्ती प्रक्रिया की रिपोर्ट तलब की गई थी। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हो गई और 29 जुलाई को निरीक्षक की ओर से मांगे गए अभिलेख की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी गई है। अधिवक्ता गिरीश चंद्र वर्मा ने हाईकोर्ट की ओर रोक के आदेश की कॉपी अधिकारियों को भेज दी है। कहा कि फिलहाल एक कॉलेज की ओर से याचिका दाखिल हुई थी। देखिए, ये पूरा प्रकरण जो है माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड से चयनित शिक्षक होकर के प्रबंधन के द्वारा चयनित शिक्षक थे, जबकि प्रॉपर जो है माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड से टीचर आने थे। तत्क्रम में इस पे शासन ने 3 सदस्यीय कमेटी जो गठित की थी, उसकी जाँच रिपोर्ट के आधार पर शासन द्वारा इसमें निर्णय लिए गए थे। तत्कालीन रियायत वित्त लेखाधिकारी प्रबंधन से गुवाही की जाएगी। दूसरा जो है प्रबंधन को 16D के तहत कार्रवाई की जाएगी। और तीसरा जो है ईओडब्ल्यू जांच, तो ईओडब्ल्यू जांच इसमें प्रचलित है और उस पर माननीय न्यायालय में भी अभी फिलहाल स्टे दिया गया है, उसको काउंटर हम लोग फाइल कर रहे हैं। इसके अलावा जो 16D के तहत कार्रवाई है, डायरेक्टर माध्यमिक स्तर से संबंधित 9 विद्यालयों को जो है जारी की गई है नोटिस, और नोटिस का जवाब प्रबंधन द्वारा दिया जाएगा। तत्क्रम में जो है निर्णय डायरेक्टर के लेवल से लिया जाएगा। सर, इसमें 2 सांसद सर, उनके कौन से विद्यालय, कितने? देखिए, इसमें 9 विद्यालय के जो मैनेजर है उनमें सांसद गोंडा और सांसद जो है कैसरगंज भी सम्मिलित है। शेष विद्यालयों के जितने भी मैनेजमेंट है सभी को एक नोटिस जारी की गई। सर, इसमें कितने विद्यालय सर जिनकी समितियाँ भंग की जाएंगी? इसमें 9 विद्यालय हैं और 9 समितियाँ होंगी और उन्हीं को नोटिस जारी।